गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और आज हम बनाने जा रहे हैं मेरी फेवरेट रेसिपी, चिली पनीर। चिली पनीर बहुत ही आसानी से बन जाता है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनता है। हाँ, बस एक चीज़ है कि इसमें मैं अजीनोमोटो नहीं ऐड करती हूँ। रीज़न बीइंग, वो मेरी बेटी के लिए भी बनता है और वो भी खाती है और वो भी बहुत छोटी है, तो इसलिए अगर आप चाहो तो इसमें अजीनोमोटो ऐड कर सकते हो। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। तो आइए देखते हैं चिली पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और उसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, थोड़ा बड़ा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसको आधा आधा कर लिया है, फिर से आधे पार्ट को फिर से आधा आधा कर लिया है और ऐसे उसके एक एक पेटल अलग कर लिए हैं। अगर थोड़ा बड़ा प्याज हो तो उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे स्क्वायर पीसेज आप निकाल सकते हैं। हरा प्याज जो होता है उसका जो सफ़ेद पार्ट होता है उसको भी मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और बाकी का बचा हुआ हरा पार्ट मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। एक लार्ज कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ली है और उसको भी ऐसे स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून के आसपास लगेगा हमको मैदा और 2 टेबलस्पून के आसपास लगेगा कॉर्नफ्लावर। 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर नमक और 1 चम्मच लिया है सफ़ेद वाले तिल। 1/2 टीस्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब चिली पनीर है तो ग्रीन चिलीज़ तो ज़रूर लगेंगी, तो यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ ली और उनको लंबा लंबा स्लिट कर लिया है। फिर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगेगा, ये होममेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून से कम मैंने ली है यहाँ पर शक्कर, ये ऑप्शनल है। फिर 8 से 10 लहसुन की कली ली हैं और उनको ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून लगेगा हमको यहाँ पर सोया सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टीस्पून टोमेटो केचप भी लगेगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डाल रही हूँ मैं पनीर। पनीर को पहले हम मैरिनेट करेंगे, तो मैरिनेट करने के लिए हम एक ड्राई कोट करेंगे। तो ड्राई कोट के लिए मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1.5 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैदा। अभी हम इसको अच्छे से चला लेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी चला सकते हैं बट ध्यान रहे कि ये बहुत सॉफ्ट है ताकि टूटे नहीं। तो एक कोटिंग हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक बहुत ही ज़रा सा डालूंगी मैं, अराउंड 1/2 टीस्पून और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच और एक बार इसको फिर से चला लूँगी। तो ये कोटिंग हो चुकी है, इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून मैदा और ऐड किया था एंड में और इसको कोट कर लिया था। अब आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन और उसमें 1 टेबलस्पून के आसपास डाल रही हूँ ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें मैरिनेटेड पनीर क्यूब्स ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हम पनीर को जेंटली या तो टॉस कर देंगे या तो बहुत ही जेंटली चलाएंगे ताकि पनीर चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो पनीर हमारा हो चुका है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये मैंने अपना पनीर निकाल लिया है। अब सेम पैन में ऑयल ऑलरेडी बचा था, थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड किया है और इसको मैं हीट होने दूंगी। तो ऑयल जैसे ही हीट होता है इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन, अदरक और अच्छे से एक बार भून लूंगी। तो अदरक लहसुन भून चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और प्याज। प्याज को भी 1/2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लूँगी, हमको कलर नहीं चेंज करना है प्याज का। तो ध्यान रहे फ्लेम हमें हाई पे रखनी है। अब मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम और इसको भी 1/2 से 1 मिनट के लिए भून लूँगी। तो अब प्याज और शिमला मिर्च हो चुके हैं, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप के आसपास पानी और पानी में बॉईल आने दूँगी। जब तक बॉईल आता है इसमें मैं ऐड कर दूँगी सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस। यहाँ मैंने ग्रीन चिली और रेड चिली दोनों यूज़ की हैं, आप चाहें तो कोई एक यूज़ कर सकते हैं। केचप भी डाल दिया, रेड चिली सॉस भी डाल दी, शक्कर भी डाल देंगे, नमक भी डाल दूंगी, विनेगर,
ब्लैक पेपर भी ऐड कर दूंगी और एक बार चला दूंगी। जब तक ये उबल रहा है इसमें मैं ऐड करूंगी अपना बचा हुआ कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर ऐड करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इसको पतला सा घोल बना लेंगे। ध्यान रहे घोल में गांठें ना रहें। और इसको ऐड कर दूंगी मैं ग्रेवी में। तो जैसे ही आप ग्रेवी में कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा ग्लेज आ गया है और सॉस थिक होने लगी है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करिए। अगर आपको ग्रेवी वाला चिली पनीर चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिए, पर क्योंकि मैं ये ड्राई बना रही हूँ तो इसमें आधा कप पानी ही ऐड किया है। अब मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया और उसको चला लिया है। जब तक पनीर इसमें 1 मिनट के लिए सिमर हो रहा है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा प्याज और आधा तिल भी ऐड कर दूंगी। आधे तिल मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो चिली पनीर हमारा बनकर के रेडी है, आइए इसको प्लेट कर लेते हैं। हमारा चिली पनीर बनकर के बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही अच्छा बनता है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। पनीर भी एकदम सॉफ्ट रहता है और ग्रेवी के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो। तो आइए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, डू ट्राई इट। तो आई होप आपको आज की ये मेरी चिली पनीर की रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही एक बेल आइकन है जिसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।